Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों साल 2020 ये साल पूरी दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी। साल 2020 की शुरुआत काफी उम्मीदों के साथ हुई थी, लेकिन आधा सफर तय करते करते ये काफी मनहूस लगने लगा था। कोरोना वायरस का प्रकोप तो इस साल के शुरुआत से ही चल रहा था। इसके अलावा बॉलीवुड से भी बहुत सारी बुरी खबरें आई। कई दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइए जानते हैं इस साल किन किन हस्तियों ने हमारा साथ छोड़ा। सबसे पहले तो इरफान खान लंबे समय से बीमार थे। हालांकि इस बीच उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई तो फैंस को लगा कि वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन पहले उनकी मां ने साथ छोड़ा। इसके बाद 29 अप्रैल को इरफान भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 53 साल के इस सफर में इरफान बॉलीवुड समेत दुनिया भर के सिनेमा को कई बड़े तोहफे दे गए। इरफान खान के जाने के झटके से बॉलीवुड उबर पाता, इससे पहले दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर ने भी साथ छोड़ दिया। कैंसर से पीड़ित ऋषि कपूर ने ठीक एक दिन बाद 30 अप्रैल को अपनी अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर आखिर समय तक बॉलीवुड में सक्रिय थे। उनकी अंतिम काफी फेमस फिल्म चौक एंड डस्टर थी। साजिद बाजिद की जोड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी फेमस थी दोस्तों, लेकिन 1 जून को ये जोड़ी भी टूट गई। इस दिन वाजिद खान का निधन हो गया था। वाजिद का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके किडनी में संक्रमण था और वो वेंटिलेटर पर थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोरोना वायरस से भी पीड़ित थे। प्रेक्षा मेहता, टेलीविजन एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता भी इस साल जिंदगी की जंग हार गई। फिल्म पैडमैन के अलावा लाल इश्क, मेरी दुर्गा और क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी प्रेक्षा ने आत्महत्या की थी। वो लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन में थी। सेजल शर्मा, टेलीविजन एक्ट्रेस सेजल शर्मा ने भी इस साल आत्महत्या कर ली थी। स्टार प्लस पर आने वाले शो दिल तो हैप्पी है जी सीरियल में सेजल नजर आती थी। उनकी आत्महत्या के पीछे निजी जीवन को कारण बताया गया, हालांकि अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला। 60 के दशक की फेमस एक्ट्रेस निम्मी भी साल 2020 में सबको अलविदा कह गई थी। लॉकडाउन के बीच 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। मोहित बघेल, सलमान खान की फिल्म रेडी में नजर आए मोहित बघेल भी सबका साथ छोड़ गए। 26 साल के मोहित कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अपने होम टाउन मथुरा में अंतिम सांस ली। दोस्तों फिर बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा को 12 नवंबर को उत्तरी पहाड़ी शहर धर्मशाला में एक निजी परिसर में मृत पाया गया था। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर अभिनेता परिसर में लटके हुए पाए गए थे। हालांकि कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। दिग्गज हिंदी फिल्म कॉमेडियन जगदीप, जिन्होंने दशकों तक अपने शानदार करियर में कई तरह के किरदारों के दम पर लाखों भारतीयों को रोमांचित किया, उनका निधन 9 जुलाई को हो गया। वो 81 साल के थे। जगदीप को ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार के लिए याद किया जाता है। दोस्तों उससे बाद एक ऐसी मृत्यु हुई जिसको पूरा भारत भूल नहीं पाया, जो सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों के लिए उनकी मृत्यु को झेल पाना मुश्किल था। 14 जून को अभिनेता अपने बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वो 34 वर्ष के थे। अभिनेता बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता के साथ काफी फेमस हुए थे। मानव देशमुख के रूप में उन्होंने प्रदर्शन के साथ लाखों दिलों को छू लिया था। सुशांत ने 2013 में फिल्म काईपोचे के साथ बड़े पर्दे पर भी शुरुआत कर ली थी। ये उनके अद्भुत और शानदार करियर की शुरुआत थी। उन्होंने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, शुद्ध देसी रोमांस और छिछोरे में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। उनके निधन ने सोशल मीडिया पर कथित भाई भतीजापात और पक्षपात पर बहस छोड़ दी।
2020 दोस्तों अभी खत्म ही हुआ था कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म एमएस धोनी में नजर आने वाले एक्टर संदीप नाहर ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ही संदीप नाहर का एक सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी पत्नी से परेशान थे। तो दोस्तों ये थे वो लोग जिन्होंने 2020 में हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन दिलों में ये हमेशा राज करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।